तारिक अहमद साहब। तारिक अहमद साहब काफ़ी बिजी शेड्यूल के बावजूद आज आप एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स वहाँ पे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मेन स्ट्रीम्स हैं, से वाबस्ता लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, सिविल सोसाइटी से हैं। आप कुछ सजेस्ट करेंगे इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से? नहीं, जहाँ तक इस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, मौजू है जम्मू कश्मीर और हिंद पाक का मुफाहमत, डायलाग का प्रोसेस, दोस्ती, अमन। ज़ाहिर है एक जम्मू कश्मीर के बाशिंदा होने की हैसियत से मैं यही कहूँगा, ये नुकसान रहा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो उनके बीच में आज तक टकराव रहा, जंग की शक्ल में और शक्ल में। लेकिन सबसे ज़्यादा खसारा हमें पड़ा जम्मू कश्मीर के आवाम को, इसलिए क्योंकि हम इस टकराव के क्रॉस फायर पर रहे हैं, गोली उधर से, गोली इधर से, सेना हमारा ही रहा है, भुगतना हमें ही पड़ा है। और इसी वजह से हमारी तरफ से यहाँ से आवाज़ जाए दोनों ममालिक के रहनुमाओं को कि बस करो, अब बहुत हुआ बारूद की ये लड़ाई, इससे खसारे में रहा पाकिस्तान भी, हिंदुस्तान भी, और सबसे बढ़कर इसने हमें हमारे सीनों को चिलनी कर दिया। अब इसमें रोक लगनी चाहिए, बातचीत का अमल शुरू किया जाए। कब होगा बातचीत का अमल? मेरा मानना ये है, आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं? मेरी यही राय है, द सोनर द बेटर, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है, हिंदुस्तान के लिए बेहतर है, जम्मू कश्मीर के लिए बेहतर है, और उसमें जम्मू कश्मीर की आवाम को ज़्यादा ही असर्टिव तरीके से आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, मांग करनी चाहिए कि बातचीत का अमल दो ममालिक के बीच में रहे। क्योंकि अगर ज़्यादा ज़ख्मी हुआ है कोई, वो यहाँ की शख्सियत है, यहाँ के आवाम हैं जो घाटे में रहे, नुकसान में रहे। लेकिन इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा, जमहूरी आवाम हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के और भी लोग हैं, बड़े अहले कलम हैं, अहले अदब हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, जमहूरी आवाज़ें हैं, उनको भी आगे आना चाहिए और हाकिमों से कहना चाहिए, हुकूमतें बनती हैं लेकिन हमें और कुछ नहीं जीने का हक। सर, चलते चलते बताइएगा, आपने हमेशा के एन एस के साथ आप जब बात करते हैं एक्सक्लूसिव बात करते हैं, पहली बार में प्रयोग हुआ, काफ़ी सराहना उसको किया गया जब आपने हुरियत के हवाले से बात की थी, आपने बोला था वहाँ वो भी एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स है, लेकिन ये बताइएगा सर, जब इस किस्म की कॉन्फ्रेंस होती है उनको कोई दावत ही नहीं देता? मैं ये पूछ लूँगा कि उनको दावत क्यों नहीं बुलाया गया। मेरी राय में अमन सेगमेंट वाइज नहीं होगा, ये सिर्फ मेन स्ट्रीम की बात नहीं, ये सिर्फ एक सेक्शन की बात नहीं। जैसे कि अभी आपने देखा हमारी रियासत में 35A की दफ़ा जो है, इसने पूरी सोसाइटी को एक साथ किया, जो भी लकीरें बीच में हैं उनको मिटा दिया, कौन सेपरेटिस्ट है, कौन मेन स्ट्रीम है, एक आवाज़ होकर हम सब कह रहे हैं कि हमारी पहचान को बचना चाहिए, ये हम सब की पहचान है। अमन मेरा नहीं, अमन आपका नहीं, अमन हिंदुस्तान का नहीं, अमन पाकिस्तान का नहीं, अमन पाकिस्तान का भी है, हिंदुस्तान का भी है, जम्मू कश्मीर के आवाम का भी है। और इस सवाल को लेकर हमें जो दीवारें खड़ी की हैं बीच में आपसी, उनको मिटना चाहिए, मिटाना चाहिए, ताकि एक साथ मिलकर एक मजबूत आवाज़ उठे। वो आवाज़ होगी बरसगीर अमन चाहता है, कश्मीर अमन चाहता है, जीना चाहता है।